बिल्ली रास्ता काट गई। अब जिससे पूछे वो एक ही बात बोलता, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल दो, अब जाना उधर ही है तो क्या करे। अरे भैया, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते से के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए। दिमाग में टेंशन लेकर गाड़ी ड्राइव ना करिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तुम्हें कहीं का काट के चले जाए। बिल्ली राहु का प्रतीक है और राहु शंकर की जटा में बैठा है। आपको पहले कथा में कहा था, जब मंथन के समय पर मंथन हुआ तो चंद्र भगवान शिव के पास आकर बोले कि मेरे को राहु ग्रास करने आ रहा है, मैं क्या करूं। शंकर भगवान बोले काहे को चिंता करता, मेरी जटा में बैठ जा। शंकर भगवान की जटा पर चंद्र आकर विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद राहु आ गए। राहु ने कहा, भोलेनाथ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तू भी बैठ जा जटा के अंदर। अब शंकर तो शंकर सबके लिए, बाबा भोलेनाथ जी सबके प्रति, कोई छोटा है बड़ा है, अमीर है गरीब है, राक्षस है देव है, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आया शरण में और शिव ने लिया, तू भी बैठ जा। अब राहु अंदर बैठा और चंद्र बाहर। चंद्र को इतना भय लग रहा था राहु से कि चंद्र के पसीने निकल रहे थे। अब वो चंद्र ने जो अमृत पिया था और अमृत का पसीना जब राहु को मिल रहा था, राहु उस पसीने को पीते जा रहा था, तो राहु के मुंडे शंकर जी के गले में पड़ते जा रहे थे। शंकर जी के गले में दो तरह के मुंडे होते हैं, एक मूछ वाला मुंडा और एक कपाल का मुंडा, हड्डी का मुंडा कपाल का। तो जो कपाल का मुंडा है वो शंकर जी के गले में भगवान शंकर की अर्धांगनियों के हैं, और जो मूछ वाला मुंडा है वो जो राहु अंदर बैठा था उसके जो मुंडे अमृत के कारण कटे हुए मुंडे शंकर जी के गले में पड़ रहे थे, वो मुंडों की माला शिव जी के गले में। हमारे काल अधिपति महाकाल राजा के गले में आप दोनों तरह के मुंडे देख सकते हो। कभी उनकी स्वरूप का दर्शन करना आप महाकाल बाबा का, तो कभी उनको हड्डी का मुंडा, हड्डी जैसा स्वरूप चांदी का, या कभी मूछ वाला मुंडा बाबा को पिला। उस स्वरूप का तो मान लो अगर काट भी गई बिल्ली रास्ता तो शिव का स्मरण करो ना भाई, शंकर को जपो, राहु का स्मरण कर लो एक बार, श्री राहु गए नमः, बिल्ली रास्ता काट गई काट जान दो, शिव का स्मरण करो और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर। हम अपने मार्ग को विच्छित ना करें। भगवान का स्मरण कर हम जिस कार्य पर जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर हम जिस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, वो कार्य हमारा सफल